साथियों, आज हम सबके लिए खुशी का मुकाम है। मैं आज अपनी सारी कौम को मुबारक देना चाहता हूं। और क्यों मुबारक देना चाहता हूं? पाकिस्तान की तारीख क्या है कि बदकिस्मती से हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसने हमेशा बजाय कमजोर को ताकतवर से तहफुज देने का, ताकतवर के साथ हमारा इंसाफ का निजाम खड़ा हो जाता है। और वो एक लफ्ज, एक सेंटेंस इस्तेमाल करता है, नजरिया जरूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। बदकिस्मती से इस एक जुमले ने पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं आने दी, इंसाफ पाकिस्तान में नहीं आया, रूल ऑफ लॉ नहीं आया। अगर एक चीज जिसने इस मुल्क को एक अजीम कौम बनने से रोका, वो है इंसाफ। हमारे मुल्क में इंसाफ हुआ ही नहीं शुरू से। एक फैसला हुआ जस्टिस मुनीर का, और उस फैसले की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत कभी भी उधर नहीं पहुंच सकी जिधर उसको होना चाहिए था, क्योंकि उस फैसले ने नजरिया जरूरत को सामने लाके एक पाकिस्तान का जो आईन है उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो देखें, सबके लिए मेरा काम है कि आपकी तरबियत करना। मेरी उम्र यह है कि मैं सारी दुनिया देख चुका हूं। मैंने जो मेरा बार बार आपको एक चीज समझाता हूं कि मेरा तज्जिया क्या है, मेरी सारी जिंदगी का जो तजर्बा है उससे मैंने क्या सीखा है कि मेरे पाकिस्तानियों, अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फर्क ही एक है। अमीर मुल्कों में इंसाफ है और जितने गरीब मुल्क हैं उधर जंगल का कानून है। जो ताकतवर है वो फैसला करता है, जिस तरह जंगल के अंदर शेर फैसला करता है, निचले कमजोर जानवरों का कोई बचाने वाला नहीं है, उनको कोई तहफ्फुज नहीं है। इंसानी माशरा होता ही इंसानी माशरा ये है जिधर इंसाफ हो। अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे इस दुनिया में, जितने भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे, सबसे ज्यादा अल्लाह के पैगंबर एक ही चीज पे खड़े रहे हैं, इंसाफ पे। सारे अल्लाह के पैगंबर कमजोरों के साथ खड़े थे, सब जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे, सबकी कोशिश यह थी कि इंसानी माशरे में इंसाफ हो। जो बहुत बड़ा एक मुसलमान स्कॉलर था इब्ने खालदून, जो बहुत दुनिया मानती है इब्ने खालदून को कि एक ऐसा जेन था जिसको कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का बाप, कहते हैं तारीख का बाप समझा जाता है। वो कहता है मेरी जितना भी मेरा तज्जिया है कुरान पढ़ के, मेरा जितना भी तज्जिया ये है कि अल्लाह का हुक्म है कि मेरी जमीन पर इंसाफ कायम करो। और इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहली चीज अदल और इंसाफ कायम किया। तो मैं आज इसलिए आप सबको मुबारक दे रहा हूं कि पाकिस्तान में हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह का प्रेशर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह के हमारे जजेस साहिबान के ऊपर इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, उनको डराया, धमकाया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, फैमिलीज को बुरा भला कहा, सिर्फ एक मकसद से कि किसी तरह वो भी ताकतवर का साथ दे दें, कि किसी तरह वो खौफजदा हो जाएं और वो जो पाकिस्तान का आईन है उसके साथ ना खड़े हो। तो पाकिस्तान का आईन क्या है? पाकिस्तान का आईन कहता है कि जब भी असेंबलीज डिसॉल्व होंगी 90 दिन के बीच में इलेक्शंस होने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको कोई बड़ा लॉ प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, कोई आपको जज नहीं होना चाहिए, वकील नहीं, कोई भी जब सरसरी तौर पे भी पाकिस्तान का 1973 का आईन पढ़ेगा तो उसमें वाजे लिखा हुआ है कि जैसे ही
असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, 90 दिन में इलेक्शंस होने। जब हमने शुरू में जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई तो हमने कहा कि इलेक्शंस करवाओ, क्योंकि पाकिस्तान जब तक सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं आएगा पाकिस्तान माशी तौर पे डूबता जाएगा। तो हमें इनके नून लीग के बड़े बड़े सरबराहों ने, लीडर्स ने क्या कहा, इनकी सोशल मीडिया पे चले जाए, इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ लें। इन्होंने कहा जी अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करो, अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करो अगर आप इलेक्शन चाहते हैं। हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी। कानून के माहरीन से हमने पूछा कि क्या कोई गुंजाइश तो नहीं कानून में कि एक दफा गवर्नमेंट हम डिसॉल्व करेंगे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे, कोई गुंजाइश तो नहीं इसमें। सारे माहरीन ने कहा कि कोई गुंजाइश नहीं, हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी। और अब जैसी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की तो वही नून लीग के सरबराह शुरू हो गए कि नहीं जी इलेक्शन होने नहीं है। और इलेक्शंस क्यों नहीं होने, क्यों नहीं होने इलेक्शंस? खौफ ज्यादा हैं, डरे हुए हैं, सबको खौफ है, काम पे टांग रही हैं कि अगर 37 बाय इलेक्शन में से 30 हार गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, इलेक्शन कमीशन इनके साथ, हुकूमतें इनके साथ, 37 में से 30 बाय इलेक्शन हार चुके हैं तो डरे हुए हैं। जो भी सर्वे आती है उसमें इतना पीछे रह गए हैं कि इनको पता है कि इलेक्शन में इनकी तबाही है। तो अपने आप को बचाने के लिए ये पाकिस्तान के आईन के खिलाफ जा रहे हैं कि किसी तरह ये बच जाए। ये ही गवर्नमेंट थी, हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है आज से एक साल पहले। हम मैं इलेक्शन अनाउंस कर देता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। इससे ज्यादा चीज झुमुरी चीज क्या कि अवाम को फैसला करने दो। जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, अवाम को फैसला करने दो, ऑक्शन से गवर्नमेंट ना बने कि आप जमीर खरीदें पॉलिटिशियंस के, उनको 20-20 करोड़ रुपए दे के उनकी उनके जमीर खरीद के गवर्नमेंट गिराएं। हमने कहा इलेक्शन करवाओ, अवाम को सिलेक्ट करने दो। लेकिन यही जज बैठे हुए थे तब और इन्होंने फैसला किया कि नहीं, हमने गलत गवर्नमेंट गिराई है। इन्होंने शहबाज शरीफ को बहाल करवा दिया और आज गवर्नमेंट उस सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो फैसले की वजह से आज बनी हुई है। अब आज वही सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेता है और वो फैसला करता है 90 दिन का इलेक्शन, और अब ये सारे खड़े हो गए और अब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन कैबिनेट फैसले कर रही है कि हम मानते नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जब फैसला हमारे साथ है तो ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला करे तो उनके बच्चों को, उनको, फैमिलीज को बुरा भला कहो, ब्लैकमेल करो। ये माफियाज हैं, इनको एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने बिल्कुल ठीक कहा था, सिसिलियन माफिया है। जो आप बैठे हुए माफिया की अगर आपको मतलब नहीं समझ, वो क्या है माफिया? माफिया वो होता है वो जब अपने काम करवाने के लिए या तो लोगों की कीमत लगाता है जमीर की, उनको खरीदता है, रिश्वत देता है, जो ये शरीफ और जरदारी 30 साल से कर रहे हैं, या ये रिश्वत देते हैं, और या फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, धमकियां देते हैं, उनको खौफ ज़दा करके उनको रास्ते से हटाते हैं। माफिया इस तरह ऑपरेट करता है। और ये भी वही कर रहे हैं कि जब इन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जज और जजेस इनकी ब्लैकमेल में नहीं आए तो हर किस्म की उनके ऊपर अटैक किया। एक साल पहले हम खुश नहीं थे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आया। आप मेरी सारी स्टेटमेंट्स देख लें। तकलीफ सिर्फ मुझे थी कि रात के 12 बजे अदालतें खुली, सिर्फ उसकी तकलीफ थी, बाकी हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम किया, किसी जज को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि कोशिश की कि हमारी अदलिया की रिस्पेक्ट हो पाकिस्तान में। क्योंकि मैं तो
27 साल पहले जब अपनी जिहाद शुरू की थी उसका नाम था इंसाफ की तहरीक, उसका मतलब है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। ये 27 साल पहले शुरू की थी। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, मेरी जिंदगी का तजर्बा था कि जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ का निजाम, कानून की हुक्मरानी नहीं आती, हम इसी तरह ही हाथ फैलाए हुए दुनिया के सामने फिरते रहेंगे। मैं एक बार बार मिसाल देता हूं, मैं फिर से आपको देना चाहता हूं कि देखें, इंसाफ पहले, खुशहाली बाद में। मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इंसाफ कायम किया, फिर खुशहाली आई। आपके सामने पाकिस्तान की मैं सिर्फ मिसाल इसलिए देता हूं कि इंसाफ के इंडेक्स के अंदर, यानी जो दुनिया में किन मुल्कों में कितना कितना इंसाफ है, इसकी इसका बना हुआ है एक टेबल बना हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मुल्क में इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, वो है डेनमार्क। डेनमार्क 140 मुल्कों में नंबर वन है। पाकिस्तान 140 मुल्कों में 129 नंबर पे है। वही डेनमार्क, उस डेनमार्क के अंदर औसत आमदनी, यानी एक एवरेज आमदनी उस मुल्क में वो कितनी है, $66,600। पाकिस्तान में औसत आमदनी $1,600 पे है। हमारे पास वसाइल मुकाबला ही नहीं आप कर सकते डेनमार्क के मुकाबले में, जो हमारे मुल्क में वसाइल है। लेकिन उधर देखें खुशहाली और हमारा हाल देखें। तो इस पाकिस्तान के अंदर ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये इसलिए खुशहाल है कि हम उस तरफ जा रहे हैं कानून की हुक्मरानी की तरफ। और ये जो माफिया है, ये अब पूरी तरह खड़ा हुआ है कि नहीं जी, क्योंकि फैसला हमें पसंद नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस में हमें शिकस्त होगी, लिहाजा हम आइन के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, हम आइन पे नहीं चलेंगे। और वालदैन इनके बाहर बैठे हुए हैं, यानी कि दोनों के वालिद, एक दुबई में है, एक लंदन में बैठा हुआ है, मफरूर सजायाफ्ता, झूठ बोल के पाकिस्तान से गया कि मैं जी मैं इलाज करवाने जा रहा हूं। जो प्राइम मिनिस्टर है, इसने कोई एफिडेविट दे के गया सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में कि जी इलाज वापस आ जाएगा, वो भी झूठ निकला। वो बैठ के मुल्क के फैसले कर रहे हैं। ये 30 साल से ये जो दो लोग, जो दो खानदान के सरबराह हैं, जो इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं, मैं सबसे पहले ये पूछता हूं कि इनका पाकिस्तान में स्टेक क्या है, यानी इनको कितनी पाकिस्तान की दर्द है। जब थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है बाहर भाग जाते हैं, जब ऑपोजिशन में होते हैं बाहर भाग जाते हैं, वो जब जेल में जाने लगा नवाज शरीफ, दोनों दफा डील करके बाहर भाग गया। और अब बाहर बैठ के ये फैसले कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला ये मानेंगे और कौन सा नहीं मानेंगे। और ये सारी कौम देख रही है, उन बच्चे फिटे हुए अपने, वो बच्चों को यहां बिठाया हुआ है जिन्होंने जिंदगी में एक घंटा काम नहीं किया, जिनको कोई तजर्बा ही नहीं है सिवाय ये कि वो कहते जी हमारे हम बाप ने हमें इजाजत दिया कि हम अब पाकिस्तान में स्टेटमेंट्स देते रहे। वो जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, एक कहते जी मार्शल लॉ लग जाएगा, मार्शल लॉ लग जाएगा, मार्शल लॉ लग जाएगा। वो जो आज कह रहा है मार्शल लॉ लग जाएगा, उसके जिसके ऊपर सियासत कर रहा है, जिस नाने के ऊपर सियासत कर रहा है, वो मार्शल लॉ की वजह से तो उसको फांसी हुई है। और मार्शल लॉ जो चाहते हैं मार्शल लॉ लगे, उनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। ये और दूसरा जो लंदन में बैठा है, इनका कोई स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। इनका मकसद एक है कि किसी तरह इनका जो एनआरओ उन्होंने लिया है, जो इन्होंने चोरी की 30 साल से दौलत बनाई है, वो किसी तरह बच जाए। इनका इंटरेस्ट वो बचाना है। पहले एनआरओ कैसे लेना है और फिर एनआरओ को बचाना कैसे है, इनका स्टेक, यानी कि उसमें पाकिस्तान को क्या नुकसान होता है, मार्शल लॉ लग जाता है,
या पाकिस्तान का आईन तबाह होता है या पाकिस्तान की सारे निजाम तबाह कर देते हैं ताकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो जाती है। जब ऑपोजिशन ही नहीं है तो पार्लियामेंट की तो हैसियत खत्म हो गई। पाकिस्तान का FIA जो इदारे हैं, FIA है, नैब है, वो खत्म कर दिए हैं क्योंकि उनको अपने आदमी बिठा के तो उनसे गलत काम करवा रहे हैं। अपना बनाया हुआ नैब का हेड वो कहता है कि मैं इनके गलत काम करने के लिए नहीं तैयार। इनका अपना आदमी था वो छोड़ गया। वो पुलिस वाले ऊपर वो बिठा दिए हैं, जिसने इस्लामाबाद का जो IG है इसको सजा होने वाली थी सेफ सिटी के ऊपर लाहौर में, जो इसने पैसे चोरी किया था उसको बिठा के IG बना दिया। वो लोगों को लेके आ रहे हैं इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की बेहतरी है, इसलिए कि इनको कैसे फायदा पहुंच सकता है, मुखालफिन को कैसे दबा सकते हैं, मुल्क में अपना कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, किस तरह इलेक्शन में धांधली करवा सकते हैं। कोई और पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान को तो इंटरेस्ट है कि इदारे मजबूत हो। ये इदारे इसलिए कमजोर करते हैं कि कमजोर इदारों से ये फायदा उठाते हैं ताकि कोई पकड़ ना सके इनको। FIA को, जिसमें शहबाज शरीफ का 16 अरब का केस था, वो खत्म कर दिए। वो जो सारे गवाह थे, 4 गवाह मर चुके हैं, इन्वेस्टिगेटर मर चुका है डॉक्टर रिजवान। तो ये इनको पाकिस्तान से इंटरेस्ट नहीं है, इनका इंटरेस्ट हर किस्म की ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो वो फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान के आज, और वो पाकिस्तान के आईन के ऊपर और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी वारदात कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन से बच जाए। मैं आज जो इनकी जो कोशिशें हैं वो मैं जो नुकसान पहुंचाने वाली कोशिशें पाकिस्तान की वो आपके सामने लाना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की तकसीम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दड़ाड़ पड़ जाए ताकि इनको फायदा हो जाए, मुल्क को फायदा नहीं, इनको फायदा हो जाए। ये ही जब 99 के अंदर हुआ था, जस्टिस सजाद अली शाह का जो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने अटैक किया था, तब भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया, इसलिए कि एक चीफ जस्टिस फैसला कर रहा था नवाज शरीफ के कंटेम्प्ट केस पे, उस चीफ जस्टिस को डंडों से पहले भगाया और फिर रिश्वत देके उसको चीफ जस्टिस को फारग किया। अब फिर कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि हमारा सुप्रीम कोर्ट मुल्क के भले के लिए ये इकट्ठा रहेगा और ये आईन के ऊपर खड़ा रहेगा, हम ये दुआ करते हैं। और इनका दूसरी क्या कोशिश है कि जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसके बीच में और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट इदारे, फौज के इदारे के बीच में फासले बढ़ाए जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, किसी ना किसी तरह आपस में ये दो टकरा जाएं। इनको ये नहीं फिक्र कि पाकिस्तान में ये हो चुका है एक दफा, जब 1970 में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जब इलेक्शन जीत गई तो तब भी ये किया गया था जाती मफादात के लिए, उस सबसे बड़ी पार्टी को फौज के साथ टकरा दिया उन लोगों ने जिन्होंने जाती फायदे अपना सोचा था, और पाकिस्तान टूट गया था। आज भी वही कोशिशें हो रही हैं, मुल्क की खातिर नहीं, इनको अपनी जात के लिए ये पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि आपस में हमारा को टकराओ, किसी तरह ये तासुर दिया जाए कि जनाब फौज है पीछे इसके, जो कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो पूरी कार्रवाइयां हो रही हैं, जो भी हमारे खिलाफ होता है, पुलिस जब हमारे खिलाफ कार्रवाई करती है तो पुलिस वालों से पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमें पीछे से हुक्म आया, मेरी जो JIT बनी, जो जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, JIT का जब रिकॉर्ड तो खत्म कर रहे थे, जब JIT की जो फाइंडिंग्स थी उसको खत्म कर रहे थे, तो जब वो अंदर उनसे पूछे वो कहे जी हमें उधर से ऊपर से हुक्म आया है, जो मेरे घर के ऊपर हमला हुआ वो कहते जी पीछे से हुक्म आया है, जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मेरे ऊपर पूरी तरह तैयार किया हुआ था मारने का या जो भी पकड़ के ले जाने अफवाह करने का, उनसे पूछो उन्होंने कहा जी पीछे नामालूम अफराद थे। जो भी हो
रहा है इस वक्त, केसेस है 143 केसेस मेरे ऊपर, वो कहते हैं जी पीछे से है। तो ये जान के किया जा रहा है, अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को तकसीम किया जा रहा है, अपनी जात के लिए किसी तरह इनके एनआरओ इनका बच जाए उसके लिए और इलेक्शन ना हो उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी और उसके बीच में जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसके बीच में नफरतें बढ़ती जाए। क्या इसमें मुल्क का फायदा है? क्या कोई भी पाकिस्तान का सोचेगा वो चाहेगा ये हो? ये चाहेंगे, क्योंकि इनका फिर से मैं कहता हूं इनका पाकिस्तान में कोई स्टेक ही नहीं है। जब अरबों डॉलर बाहर पड़ा है, प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी है, इनकी बिजनेसेस बाहर है, इनकी शॉपिंग बाहर है, इनका रेंस, इनकी छुट्टियां बाहर हैं, इनकी सर्जरीज बाहर है मुल्क से, इनको क्या इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में क्या हो? जब से ये आए हैं मेरे पाकिस्तानियों, जब से ये आए हैं यहां, एक साल हो गया, डॉलर के मुकाबले में जो हमारा रुपया गिरा है वो 105 रुपया गिर चुका है। यानी अगर आपके बैंक के अंदर साल पहले अगर आप 100 रुपया पड़ा था तो उसकी खरीदार की जो कीमत रह गई है वो सिर्फ 65 रुपए रह गई है। आपकी जो दौलत है उसके अंदर 100 में से 35 रुपए गायब हो गए हैं। इनको क्या फर्क पड़ा है? इनको तो डॉलरों में पैसे पड़े हुए हैं, तो यहां तो सारी कौम की दौलत में कमी हुई है, लेकिन इनके तो इजाफा हो गया। इनकी तो दौलत है वो डॉलर्स में, उनके तो 35 रुपए का इजाफा हो गया, कौम गरीब हो गई, ये इनको फायदा है। तो इनका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में? इस तरह ही जो हमारी माशी हालात है, कभी पाकिस्तान में मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं याद कि लोग आटे की लाइनों पे खड़े हैं, 20 से ज्यादा ऊपर अमवात हो चुकी हैं लोगों की आटों की लाइनों के अंदर। इस तरह यानी आटा भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करना था तो इस तरह लोगों को जलील करके करना था? कोरोना के दौरान 14,000 रुपया हमने दिया ख्वातीन को, आप अभी से तस्वीरें देख लें, उनको स्कूल में बुलाते थे, बाइज्जत तरीके से उनको बैठाते थे, बैंक वहां बैठा हुआ था उधर से उनको कैश देते थे, ना कोई लड़ाई ना कुछ ना झगड़ा, वो इज्जत से आते थे इज्जत से जाते थे। ये तो लोगों को जलील करना है, और इससे क्या ठीक हो जाएगा हालात? जब आटे की कीमत, जब आटे एक किलो आटा 55 रुपए किलो था एक साल पहले, वो आज कंट्रोल रेट 115 रुपए पे है, और आज मार्केट के अंदर 155 रुपए किलो पे बिक रहा है। तो जब ये हालात होंगे तो क्या थोड़ी आटे की बोरियों से लोगों के हालात ठीक हो जाएंगे? क्या जो तनख्वाहदार तबका है, क्या जो तनख्वाहदार तबका है पाकिस्तान का, जिनकी जो महीने की तनख्वाह थी पहले भी मुश्किल हालात थे, हमारे दौर में भी मुश्किल इसलिए थे कि दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आया हुआ था जो कोरोना की वजह से, लेकिन उसके बावजूद फिर भी गुजारा था लोगों का। लेकिन जो ये अब हमारे जमाने में महंगाई 12% थी, आज 36% है, 3 गुना ज्यादा महंगाई है, तो जो तनख्वाहदार तबका वो तो तबाह हो गया है, और आगे कोई होप भी नहीं है, आगे ये भी नहीं नजर आ रहा कि कोई तरीका है, इनके पास कोई रोड मैप है इनके क्या कैसे ये अब मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। और इसीलिए मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट को भी कहता हूं कि मुझे ये बता दें कि अक्टूबर के ये जो इलेक्शन जा रहे हैं इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? यानी पाकिस्तान को अगर अक्टूबर तक इलेक्शन डिले करते हैं तो क्या इनके पास रोड मैप है जो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? आज कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है इलेक्शन करवाने का, तो दिन ब दिन माशी हालात तो बिगड़ रहे हैं, तो अक्टूबर में किधर से पैसा आएगा? आज कहते हैं जी हमारी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो अक्टूबर में सिक्योरिटी कैसे अच्छी हो जाएगी? मेरे पाकिस्तानियों, ये समझ जाए कि जो आज हालात हैं जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे ये हालात मजीद बिगड़ते जाएंगे। इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं? इलेक्शन से सियासी इस्तेकाम आता है। इलेक्शन से जब ये पता चलता है कि 5 साल तक गवर्नमेंट आ गई है,
तो उसके ऊपर इत्माद आ जाता है। लोग अगर सरमायाकारी करनी है तो वो तब करेंगे जब उनको नजर आए कि 5 साल तक अभी गवर्नमेंट बैठी है, पॉलिसीज ये रहेंगी। लेकिन अगर उनको इत्माद ही नहीं है, उनको ये नहीं पता कि अगले महीने क्या होना है, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद क्या होना है, अक्टूबर के बाद क्या होना है, तो कौन पैसा, क्या सरमायाकारी अंदर पाकिस्तान या बाहर से कौन करेगा? तो ये तो एक बंद गली के अंदर पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, और सिर्फ अपने मफादात के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए। तो मैं आखिर में अपनी सारी कौम को आज ये पैगाम देना चाहता हूं, देखिए अगर ये आइन से पीछे हटे और ये जो अभी हमें इनके नजर आ रही है इनकी नियत, इलेक्शंस ना करवाने के लिए इन्होंने कोई भी कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए, आइन के खिलाफ गए, सारी कौम को मैं आज कह रहा हूं कि हम सब निकलेंगे। अभी से आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब अगर हम ना निकले तो और छोड़े अल्लाह माफ नहीं करेगा हमें, क्योंकि ऊपर वाले का हुक्म है कि हक और इंसाफ के लिए खड़े हो। अल्लाह का हुक्म है कि आपके मुल्क में इंसाफ होगा तो आजाद होंगे। देखिए आजादी क्यों, आजादी के लिए जब इंसान जद्दोजहद करता है और वो उसकी जान चली जाती है तो उसको शहीद कहते हैं। पैगंबरों के बाद सबसे बड़ा रुतबा शहीद का है। तो कितनी बड़ी अल्लाह ने हमारे पे फर्ज किया हुआ है कि आप इंसाफ के लिए, अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद करें, और हमारी बेहतरी के लिए उसने कहा है। हम अगर ये जो नाइंसाफी करने जा रहे हैं और ये जो कोशिश कर रहे हैं कि धमकियां दे के किसी ना किसी तरह, साजिशें करके किसी ना किसी तरह इलेक्शन से निकलें, और अगर हमने ये निकल, अगर हमने इनको कामयाब होने दिया तो ना अल्लाह माफ करेगा, ना तारीख हमें माफ करेगी, ना आपकी आने वाली नस्लें आपको माफ करेंगी। क्योंकि इंसाफ है, आइन है तो इंसाफ है, क्योंकि आइन बताता है कौन से कानून पर मुल्क चलता है। कानून आपकी बुनियादी हकूक की हिफाजत करता है, कानून बताता है कि पाकिस्तान में मुल्क ने चलना कैसे है। तो जब अगर आइन ही नहीं है तो फिर तो जंगल का कानून है, फिर तो ताकतवर फैसला करेगा कि कौन सी आइन की शिक उसने माननी है और कौन सी उसने मुस्तरद करनी है। फिर तो ताकतवर का कानून हो गया जो कि जंगल का कानून है। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, आपने मेरी कॉल की इंतजार कर ली है। इन्होंने अगर आइन के ऊपर ना चले, मैं आज आपको सबको कह रहा हूं, ये आप सब पे फर्ज है। मैं अपने नौजवानों को कह रहा हूं, मैं अपनी ख्वातीन को कह रहा हूं, मैं अपने बुजुर्गों को कह रहा हूं, मैं अपने बच्चों को कह रहा हूं कि अपनी, जब तक आपने अपने इंसाफ और आजादी के लिए जद्दोजहद ना की, हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं इंशाल्लाह पूरी आखिर तक अपने मुल्क के आइन के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं फिर से बताऊं, मेरी जहाद आज से 27 साल पहले थी इंसाफ के लिए। और हम, मैं आपको यह बता दूं कि इस मुल्क का सिर्फ अब मुस्तकबिल एक रास्ते पे, साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक हुकूमत अवाम के मैंडेट से आए, अवाम के मैंडेट से आके फिर वो इस्लाहत करे जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुई। कैसे जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, हमारी गवर्नमेंट कॉरपोरेशन जो इतना नुकसान कर रही है उनको रिफॉर्म करें, हम रूल ऑफ लॉ कायम करें, हम सबको, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए, ये सबसे बड़ी रिफॉर्म है। हम हर रिफॉर्म करें कि एक मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इंसाफ के सामने सब एक बराबर हो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसके बाद, उसी के बाद पाकिस्तान उठेगा। और वो उठेगा कैसे? सबसे पहले बिरूने मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। 1 करोड़ बिरूने मुल्क पाकिस्तानी है, जो उनके पास डॉलर्स हैं, सारे मुल्क, सारे पाकिस्तान में कम डॉलर्स हैं, 22-23 करोड़ लोगों के, जो सिर्फ 1 करोड़ लोगों के पास डॉलर्स हैं, वो लोग, वो जैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस वक्त वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, हमारा ये डॉलर का मसला हल हो जाएगा। हम जो इस वक्त सारा वक्त कभी कहां पैसे मांगते फिर रहे हैं, ये मसला तब हल होगा
जब अपना पहले हम मुल्क का निजाम ठीक करें और उसके बाद एक वो माहौल बनाएं जिसमें सरमायाकारी हो, और वो सरमायाकारी के माहौल के अंदर जो सबसे पहले इस मुल्क में सरमाया करेगा वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, फिर बाहर से सरमायाकारी होगी। हिंदुस्तान और चाइना, ये दोनों जब ये उनकी जब तरक्की शुरू हुई थी तो सबसे पहले इन्होंने माहौल बनाया था कि इनके अपने लोग जो बाहर बैठे हुए थे, हिंदुस्तान से लोग बाहर, जो चाइना से लोग बाहर, पहले उन्होंने अपने मुल्क में सरमायाकारी की थी, फिर दुनिया से सरमायाकार आए थे। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि 140 मुल्कों में से पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ यानी इंसाफ के निजाम में हम 129 हैं। जब हम 129 रहेंगे तो यह सरमायाकारी कोई नहीं करने लगा, वही पाकिस्तानी जाके दुबई में प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वही पाकिस्तानी बिजनेसेस दुबई में करते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप चले जाते हैं। सिर्फ 20,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 10.4 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। सिर्फ 20,000 पाकिस्तानियों ने 10.4 अरब डॉलर। IMF से हम 6 अरब डॉलर के पीछे अब हर चीज मानने के लिए तैयार है। और अमेरिका के अंदर सिर्फ 16,000 जो पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं उनकी नेटवर्थ 200 अरब डॉलर है। वहां लाखों पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, अब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन, 10 टॉप पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन, उनकी वर्थ 25 अरब डॉलर है। तो हमारे मुल्क में अमीर हमारे पाकिस्तानी अमीर तरीन है, बाहर है पाकिस्तान से, यहां भी अमीर तरीन लोग हैं। लेकिन जब तक वो माहौल नहीं बनेगा सरमायाकारी का, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी हम इसी तरह फंसे रहेंगे, जो आज हम कभी कहां पैसे मांगते हैं और कभी किसी को से जाके भीख मांगते हैं और अपनी इज्जत भी खो बैठते हैं। खुददार वो मुल्क, वो खुददार मुल्क जो के इलामा इकबाल की सोच थी, जो कायदे आजम हमारे खुददार लीडर थे, वो बनाने के लिए सबसे पहला कदम रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है। मैं आखिर में ये आपको बता दूं कि हम सब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, हमने अपनी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। कल से मैं जितने भी अपने आहिस्ता आहिस्ता सब जो टिकट के एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके कल से मैं इंटरव्यू शुरू करने लगा हूं, और इंशाल्लाह 10 दिनों तक मैं पूरे टिकट्स फाइनलाइज कर लूंगा, क्योंकि हम पूरी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और अपनी कौम को भी मैं कहता हूं, आपने भी पूरा इलेक्शन की तैयारी करनी है, और हमने किसी सूरत कोई भी इन्होंने कोशिश की इलेक्शन से भागने की, हम सारी कौम